हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग एक नया सम करेंगे शीट का जहाँ पे मैं आप सबको दिखाऊंगा कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होने से क्या करना है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होने से क्या करना है कहाँ पे रिकॉर्ड करना है इसको और स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे रिकॉर्ड करना है तो ये इन तीनों का जो एंट्री होगा वो कैसे करना है और कौन सा जगह पे रिकॉर्ड होगा कॉस्ट शीट का वो हम लोग इस सब में सीखेंगे और बाकी जो यहाँ पर डिटेल्स है वो देखिए आप लोग क्या है इनडायरेक्ट लेबर ये जाएगा आपका फैक्ट्री एक्सपेंस में अगर आप लोग ने मेरा लास्ट वीडियोस नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा आप लोग जाके वो देख लो तो क्या होगा आपका कॉस्ट शीट जो है वो क्लियर हो जाएगा ठीक है अगर आप डायरेक्टली ये सम करने आओगे तो आपको शायद तकलीफ़ हो सकता है तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो मेरा प्रीवियस वीडियो है वो देख लो फिर यहाँ पर आप आना तब आपको ये इजी लगेगा ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो थ्री एंट्रीज है इसका मैं दिखाऊंगा सॉल्यूशन में कहाँ पे रिकॉर्ड करना है क्योंकि इसका स्पेसिफाइड जगह है स्टूडेंट्स देर इज अ स्पेसिफाइड प्लेस वेर यूल हैव टू रिकॉर्ड दिस स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल ओके देन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सो इन देर स्पेसिफाइड प्लेस ओनली यू हैव टू रिकॉकॉड द एंट्रीज ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या है उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर ये फैक्ट्री में आएगा ये फैक्ट्री एक्सपेंस है क्योंकि हम लोग को पता है कि कॉस्ट में फोर कैटेगरीज होता है एक प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए उसके बाद फैक्ट्री उसके बाद ऑफिस का एक्सपेंसेस उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस सो ये इनडायरेक्ट कहाँ पे जाएगा

आफ्टर दैट यहां पे क्या है सेल कमीशन सेल कमीशन मतलब सेल के लिए तो ये सेलिंग एक्सपेंस होगा ठीक है सैलरीज ऑफ सेल्समैन सेल्समैन है तो ये सेलिंग एक्सपेंस में जाएगा कैरेज आउटवर्ड अभी कैरेज आउटवर्ड क्या है देखिए जब भी हम लोग कोई सामान को प्रोड्यूस करता है मैन्युफैक्चर करता है फिर इसको सेल करने के लिए हम लोग को बाहर भेजना पड़ता है वी हैव टू सेंड द गुड्स आउटसाइड नाउ टू सेंड द गुड्स वी हैव टू हायर ट्रक और सेंड बाय ट्रेन तो उसमें जो खर्चा होगा ना कैरेज का तो उसको बोलता है कैरेज आउटवर्ड तो बेसिकली इट इज़ लिंक्ड विथ सेल्स तो ये कहाँ पर आएगा सेलिंग एक्सपेंस में आएगा ओके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंस में आएगा पावर ये फैक्ट्री में जाएगा ठीक है सेल ऑफ फैक्ट्री फैक्ट्री स्क्रैप लिखा हुआ है ये भी फैक्ट्री में जाएगा लेकिन इसका एंट्री थोड़ा अलग है ये देखो वी आर डूइंग डूइंगीट हम लोग जो सम कर रहे हैं ना वो कॉस्ट शीट है तो कॉस्ट शीट में क्या होता है नॉर्मली हम लोग सारा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं वी यूज्ड टू रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर्स इन कॉस्ट शीट बिकॉज द नेम इट से कॉस्ट शीट बट यहाँ पे जो ये है सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप मतलब फैक्ट्री का जो स्क्रैप है इसको सेल किया करने से क्या होगा पैसा आएगा इट्स इनकम तो इसका एंट्री थोड़ा डिफरेंट होगा ठीक है लेकिन ये फैक्ट्री में ही आएगा फैक्ट्री एक्सपेंस में ही आएगा लेकिन एंट्री का जो इफेक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट होगा डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर विल कम एट फर्स्ट सबसे आगे में आएगा जहाँ पे हम लोग प्राइम कोश निकालते हैं ऊपर में ठीक है सोल्यूशन का डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी मशीनरी है तो ये कहाँ पे जाएगा फैक्ट्री में जाएगा ठीक है फैक्ट्री एक्सपेंस में फैक्ट्री रेंट नाम लिखा हुआ है फैक्ट्री तो ये ऑब्वियसली फैक्ट्री में जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग तो ये भी फैक्ट्री में ही जाएगा ओके okay, स्टूडेंट्स और लास्ट वाला एंट्री है यहाँ पे सेल्स का एंट्री अभी सेल्स का एंट्री से हम लोग ये सेल का जो वैल्यू दिया हुआ है ना इससे हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे एट द एंड ऑफ द सम तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आप सब लोग को बोल दिया कि ये जो एंट्रीज है दिस एंट्रीज ये कहाँ पे आएगा ठीक है कुछ एंट्रीज आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में जहाँ पे हम लोग प्राइम कोर्स निकालेंगे फैक्ट्री वाला एक्सपेंसेस फैक्ट्री में जाएगा ठीक है और ऑफिस वाला एक्सपेंसेस ऑफिस में जाएगा और सेल्स वाला एक्सपेंसेस सेल्स में जाएगा बाय सॉल्विंग दिस वी विल फाइंड आउट आवर रिक्वायर्ड आंसर तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ये तीन चीज़ का जो एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड करना है मैं दिखा दूंगा और याद रखना ये हमेशा उसी जगह पे ही रिकॉर्ड होगा ओके okay, स्टूडेंट्स चलो आप लोग फॉर्मेट बनाओ हम लोग को सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मेट बनाओ पर्टिकुलर्स दो अमाउंट कॉलम और हेडिंग लिख देना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट ओके अब हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं अब याद रखना क्वेश्चन का स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था कि यहाँ पे तीन टू एंट्री है जिसका जो रिकॉर्डिंग होगा वह मैं आप सबको दिखाऊंगा कहाँ पे रिकॉर्ड करना है और कैसे रिकॉर्ड करना है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फर्स्ट वाला ये जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है ना ये हमेशा अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में है इफ़ देर इज अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल इन द क्वेश्चन दैन दिस एंट्री विल बी द फर्स्ट थिंग टू बी रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट में सबसे पहला एंट्री ये आएगा हम लोग ओपनिंग रॉ मेटेरियल के साथ याद रखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल के साथ ओपनिंग प्लस अगर कुछ पर्चेस है यहाँ पे तो वो परचेस वाला प्लस होगा ये देखो ये परचेस है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल एंड परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल लेस क्लोजिंग ऑफ रॉ मेटेरियल ये है मैथड करने का ठीक है सबसे पहला एंट्री ये होगा तो ये देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिख दिया फोर्टी थाउजेंड जो यहाँ पे है फोर्टी था मेटीरियल ऑफ रॉ मटेरियल मटेरियल ये ये से से आया से ही आया क्वेश्चन ही ऑफ ऑफ रॉ रॉ रहा मटेरियल टिक मार देता हूँ अब सबको आसानी होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है फोर लैक्स तो उसी को लिखा यहाँ पे देखो फोर लैक्स ठीक है और फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये क्या है फिफ्टी थाउजेंड तो वही यहाँ पे लिखा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल फिफ्टी थाउजेंड तो बाई सॉल्विंग दिस थ्री वी गॉट द अमाउंट एस थ्री लैक नाइनटी थाउजेंड और ये जो अमाउंट निकला ना इसको हम लोग बोलते हैं मेटेरियल कंज्यूम्ड ओके okay? याद रखना स्टूडेंट्स जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में होगा तो ये सॉल्व करने के बाद जो अमाउंट निकलता है उसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड अब मटेरियल कंज्यूम के साथ अलोंग विद मेटेरियल कंज्यूम्ड विल ऐड योर डायरेक्ट एक्सपेंसिस दैट इज गिवेन द क्वेश्चन अभी वो डायरेक्ट एक्सपेंस एड करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा प्राइम कॉस्ट मिलेगा तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो एक ही है वो है ये रहा <coughs> डायरेक्ट लेबर कितना अमाउंट है थ्री लाख ठीक है और कुछ नहीं है यहाँ पे डायरेक्ट लेबर है थ्री लाख तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया ये देखो आप लोग एड डायरेक्ट लेबर थ्री लाख लिख दिया फिर दोनों को प्लस कर दिया कितना आया सिक्स लैख नाइन्टी थाउजेंड दैट विल बी योर प्राइम कॉस्ट सो प्राइम कॉस्ट खत्म प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है एड फैक्ट्री ओवरहेड हैड अभी फैक्ट्री ओवरहेड में जितना भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो सारा यहाँ पे आएगा ठीक है जैसे कि पहला वाला मैं यहाँ बोलता हूँ यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री लिब्रिक्ट फैक्ट्री इंश्योरेंस ऑन प्लांट फैक्ट्री वो यहाँ पे लिखा देखो इनडायरेक्ट लेबर फिफ्टी थाउजेंड लिब्रिकेंट टेन थाउजेंड इंश्योरेंस ऑन प्लांट थ्री थाउजेंड ठीक है देखो टिक मार देता हूँ इनडायरेक्ट लेबर हो चुका है लिब्रिकेंट हो चुका है इंश्योरेंस ऑन प्लांट डन परचेज मेटेरियल पहले हो चुका है दोबारा नहीं आएगा सेल्स कमीशन सेल्स में जाएगा ऑफ सेल्स सेल्स में जाएगा कैरेज आउटवर्ड सेल्स में जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंसेस ये ऑफिस एक्सपेंस में आएगा, आएगा, तो पे पे ठीक है? देखो मैंने यहां पे लिखा power, और थर्टी थाउजेंड क्लियर पावर के बाद सेल ऑफ फैक्ट्री था वो मैंने नेक्स्ट में लिखा है उसके बाद क्या ही है डायरेक्ट लेबर हो चुका है नेक्स्ट वाट यू हैव डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी येस इट विल कम हेयर फैक्ट्री रेंट ऑल्सो विल कम हेयर प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग विल ऑल्सो कम हेयर ये तीनों का तीनों एंट्री यहाँ पे आएगा और सेल ऑफ फैक्ट्री स्कैप भी यहाँ पे आएगा ठीक है अब ये वाला जब मैं दिखाऊंगा ना ध्यान से देखना कोई भी डाउट होगा ना स्टूडेंट्स कोई भी डाउट होगा तो प्लीज पूछ लेना डाउट अपने अंदर मत रखना ठीक है डोंट कीप डाउट इनसाइड योरसेल्फ डू आस्क योर डाउट एंड गेट इट क्लेरिफाइड तो यहाँ पे जो होगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फैक्ट्री रेंट प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग ये तीनों रिकॉर्ड यहाँ पे होगा साथ में क्या रिकॉर्ड होगा सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप ओके okay, अब मैं दिखाता हूं आप सबको ये देखो डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी यहाँ पे है फिफ्टी थाउजेंड सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप अब देखो बात ये है कि ये जो कॉस्ट शीट है मतलब हियर वी रिकॉर्ड ओनली द एक्सपेंडिचर्स ओके लेकिन सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप मतलब स्क्रैप को सेल किया एंड यू अर्न समथिंग इनकम हो गया ना तो इसको ब्रैकेट में डालना ठीक है एम आई क्लियर दिस इज अ कॉस्ट शीट वेयर यू विल रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंडिचर्स बट दिस इज एन इनकम टू थाउजेंड रुपीज ओके सो दिस यू विल पुट इन ब्रैकेट

प्रोग्रेस रिपीट करता हूं फिर से ये फैक्ट्री ऑपरेशन है ना सारा का सारा एंट्रीज होने के बाद आफ्टर यू कंप्लीट ऑल द एंट्रीज ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस देन यू विल राइट द एंट्री फॉर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस विच यूडनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ओके ओपनिंग एंड क्लोजिंग रॉ मेटेरियल विल कम हेयर एट द फर्स्ट सबसे पहले आएगा फिर जो वर्क इन प्रोग्रेस वाला है वो कहां पे आएगा फैक्ट्री एक्सपेंस का लास्ट में आएगा ओके आफ्टर यू रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री डू राइट हियर ऐड ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस इसको लिख देना ऐड टेल्व थाउजेंड है क्वेश्चन में ठीक है क्वेश्चन से लिखा मैंने और लेस क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस फोर्टीन थाउजेंड क्वेश्चन से लिखा अभी लेस से बोल के ब्रैकेट में डाल दिया अब क्या करेगा ये पूरा अमाउंट सॉल्व करो यहाँ से यहां तक ओके आफ्टर सॉल्विंग द अमाउंट दैट वी गॉट हियर इज टू लैख टेन थाउजेंड सो सिक्स लैख नाइन्टी थाउजेंड प्लस टू लाख टेन थाउजेंड टोटल विल बी नाइन लाख दिस विल बी योर टोटल फैक्ट्री ड okay? okay? factory overhead, factory overhead खत्म होने के बाद ठीक है अभी नेक्स्ट हमारा क्या है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो यहाँ पे है एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हेड इसमें ऑफिस एक्सपेंस आएगा तो फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में एक ही ऑफिस एक्सपेंस है जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अमाउंट इज वन लैख तो उसी को यहाँ पे लिख दिया मैंने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वन लैख और कुछ नहीं यहाँ पे तो इसको अंडरलाइन करके बाहर लिख दो वन लैख और जो फैक्ट्री ओवर हेड का अमाउंट आया था सी यू सी वी गॉट नाइन लाख है राइट सो अलोंग विथ नाइन लाख यू एड दिस वन लैख रुपीज टोटल कितना आएगा टेन लैक्स दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्लियर आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड बिफोर स्टार्टिंग सेलिंग याद रखना स्टूडेंट्स यहां बिफोर स्टार्टिंग योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैव टू रिकॉर्ड द फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ओके ये भूलना मत रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग जो इस क्वेश्चन में था ये देखो ये थर्ड वाला है ना स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये अभी आने वाला है कहाँ पे आएगा इट विल कम आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बट बिफोर स्टार्टिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेम प्रोसेस एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दैट इज वन लाख रुपीज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो इसको सॉल्व करने से यहाँ पे कितना आएगा नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड इस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लियर तीनों जगह मिल चुका है सी पे नया जो था था रॉ मटेरियल का ओपनिंग ये फर्स्ट में आया ठीक है एकदम फर्स्ट में वर्क इन प्रोग्रेस पे आता है फैक्ट्री कॉस्ट का लास्ट में आता है फैक्ट्री कॉस्ट खत्म होने के टाइम पे हम लोग को ओपनिंग ऐड करना है क्लोजिंग माइनस करना है ठीक है और ये फिनिश गुड्स कहां पे आता है फिनिश गुड्स विल कम राइट आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खत्म होने के बाद हम लोग एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखेंगे फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखेंगे क्लियर एंड देयर बाय जो भी अमाउंट निकलता है उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट करेंगे एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड जो भी सेलिंग के एक्सपेंसेस है सब यहाँ पे डाल देंगे तो क्या क्या है देख लो क्वेश्चन में सेल्स कमीशन सिक्सटी थाउजेंड सैलरीज ऑफ सेल्स मैन वन लैख कैरेज आउटवर्ड ट्वेंटी थाउजेंड यह तीन टू यहां पे आएगा ठीक है और कुछ नहीं है यहाँ पे देखो सेल्स कमीशन सिक्सटी थाउजेंड सैलरी वन लैख कैरेज आउटवर्ड ट्वेंटी थाउजेंड इन तीनों को सॉल्व करने से यहां पे आएगा वन लैख एटी थाउजेंड ओके सो फ्रॉम वन नाइन्टी फाइव थाउजेंड वन लाख एट्टी को प्लस करो दोनों को प्लस कर दो कितना आएगा इलेवन लैख थर्टी थाउजेंड दैट इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल कॉस्ट ठीक है समझ में आ गया कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना ओके अब इसके बाद सेल्स ये देखो मैंने यहाँ लिख नहीं लिखा मैं अभी लिखता हूं सेल्स सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में ट्वेल्व लैक सिंपल सा बात है ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है इलेवन लैख थर्टी थाउजेंड का सामान है ठीक है ये तुम्हारा खर्चा है टोटल कॉस्ट अब ये सामान को तुमने सेल कितना में किया ट्वेल्व लैख में किया ठीक है अब इलेवन लैख थर्टी थाउजेंड का सामान बारह लाख में सेल किया तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट है तो इसीलिए ये सेल्स का अमाउंट देखो मैंने अपना से नहीं लिखा क्वेश्चन में था लास्ट में सेल्स ट्वेल्व लाख तो ट्वेल्व लाख like लिखा तो इन दोनों का डिफरेंस कॉस्ट और सेल का जो डिफरेंस होगा वो बन चुका है प्रॉफिट कितना बन चुका है प्रॉफिट सेवेंटी थाउजेंड सो स्टूडेंट्स इस तरह से ये सब खत्म हो चुका है तो ये सब में मैंने जैसे आपको सब आप सबको बोला था आप सबको तीन चीज जानने को मिलेगा नया फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओपनिंग वाला बात है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल ये कहाँ पर आएगा एकदम स्टार्टिंग में आएगा फिर वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो कहाँ पे आएगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस सब रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का एंट्री कर देंगे ठीक है राइट आफ्टर कंप्लीटिंग द एंट्रीज ऑफ फैक्ट्री ओवर ठीक है अब उसके बाद लास्ट वाला बच गया फिनिश्ड स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग वो कहाँ पे आएगा वो आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इसका एंट्री करने के बाद जो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा उसके बाद एंड बिफोर सेलिंग हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डालना है और फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करना है इससे जो आंसर निकलेगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टूडेंट्स कोई भी पॉइंट हो पॉइंट में अगर डाउट हो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना ओके okay? तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग